सेशन सेशन में क्या होना है, किस तरह से मिलाएगा, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन जहां तक वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, तो इन प्रिंसिपल यह बात बहुत ठीक लगती है, क्योंकि इतना बड़ा देश है, कोई ना कोई चुनाव हर जगह हमेशा होते रहता है। एक साथ चुनाव होने से खर्च बचेगा, समय। नमस्कार, मेरा नाम अविनाश और आप बिहार इन शॉर्ट देख रहे हैं। लोकसभा की विशेष सत्र बुलाई गई है, जिसमें वन नेशन और वन इलेक्शन की बात सामने निकल कर आ रही है। और इस आयोग के जो अध्यक्ष हैं, वो देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। तमाम चीजों को लेकर जब बातचीत किया गया है आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से, उन्होंने इस चीज का समर्थन किया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि तकनीकी तौर पे अब आगे क्या होगा वो भी कहना मुश्किल, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन का उपेंद्र कुशवाहा ने समर्थन दिया। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा इस वीडियो में। सेशन सेशन में क्या होना है, किस तरह से मिलाएगा, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन जहां तक वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, तो इन प्रिंसिपल यह बात बहुत ठीक लगती है, क्योंकि इतना बड़ा देश है, कोई ना कोई चुनाव हर जगह हमेशा होते रहता है। एक साथ चुनाव होने से खर्च बचेगा, समय बचेगा लोगों का। कहीं चुनाव हो जाता है, आचार संहिता लग जाती है, तो सारा प्रशासन उसी में लग जाता है, फिर खर्चे बेतहाशा होता है। तो इन चीजों से बचने के लिए हमको लगता है कि इन प्रिंसिपल यह बात बहुत ही दुरुस्त है कि कोई ऐसी व्यवस्था बने जिसमें पूरे देश भर में एक साथ चुनाव हो जाए, तो बहुत ही ठीक ठाक होगा हमको ऐसा लगता है। बाकी अब तकनीकी और कानूनी पेचीदगी इसमें क्या क्या आएगी नहीं आएगी, वो एक अलग विषय है, लेकिन इन प्रिंसिपल हमारी पार्टी का समर्थन है। नीतीश जी भी इसकी पैरवी करते थे, लेकिन अब जब इस पर चर्चा हो रही है तो उनकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये इंडिया की जो बैठक हो रही है, एकजुट हम लोग हो रहा है, उससे ये लोग घबरा गए हैं, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं कि इसी तरह चुनाव को टालने की कोशिश हो रही है। अच्छा, इसमें चुनाव टालने जैसा कहां से होगा? अब जिस बात का समर्थन एनडीए के साथ रहते हुए अपनी पार्टी की ओर से नीतीश जी करते रहे, आज एनडीए में नहीं है तो अपनी पार्टी की ओर से अपना स्टैंड बदल रहे, इसका क्या मतलब? अब तो अवसरवादी राजनीति की बात हो जाएगी। अगर समर्थन पहले उनका था, चाहते थे नीतीश जी भी कि ऐसा हो, तो आज भी समर्थन में ही उनको बोलना चाहिए। तो अब सीधे राजनीतिक फायदा को ध्यान में रखकर देश में कोई अच्छा निर्णय हो रहा हो उसका विरोध करना किसी को बनाया जाए उसे क्या लोग का विषय है, कन्वीनर किसी को बनाया उसे क्या फर्क पड़ता है। बाकी ओवरऑल जो उससे गठबंधन का चुनावी असर होना है, इसमें हमको नहीं कुछ दिखता, क्योंकि इन लोगों के पास नकारात्मक राजनीति के अलावा कुछ नहीं, कोई वैकल्पिक एजेंडा नहीं है, देश को नया कोई मॉडल दे लोग उस पर कोई बात नहीं हो रही है। अब सिर्फ नरेंद्र मोदी को हटाना है, इसलिए सब लोग इकट्ठा हो, इकट्ठा भी हो रहे हैं मोदी का मामला है, लेकिन इसका कोई बहुत लाभ उन लोगों को मिलेगा और इंडिया का कोई नुकसान होगा ऐसा बिल्कुल नहीं। वन नेशन वन चुनाव को लेकर के भी कमेटी भी बना दी गई है, रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में किस तरह से? देखिए अब सत्र में क्या होना है मुझको नहीं मालूम, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन की बात अगर होती है तो इन प्रिंसिपल यह बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं देश में चुनाव चलते ही रहता है और इसका नुकसान भी होता है, काम बाधित होता है, खर्च ज्यादा लग जाता है। तो एक तरह से अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है तो पैसे की बर्बादी बचेगी और लोगों का समय बचेगा, प्रशासन के लोग इन्वॉल्व होते हैं उनका समय बचेगा, तो देश के डेवलपमेंट पर असर पड़ेगा। इसलिए इन प्रिंसिपल यह बात ठीक है, व्यापारिक दृष्टि से कानूनी दृष्टि से कितना हो पाएगा नहीं हो पाएगा तो उससे तकनीकी पेचीदगियों के बारे में हम नहीं कुछ बोल रहे हैं, लेकिन है इन प्रिंसिपल यह बात ठीक होना चाहिए। अधिकार है किसी व्यक्ति को, कुछ भी कर रहे हैं 2024 के चुनाव के लिए तो कुछ भी इनका करना उसका कोई अर्थ नहीं, इन लोगों के पास कोई वैकल्पिक एजेंडा नहीं,
कोई नेतृत्व तो एक लीडर पे भरोसा सब लोगों का हो इसकी स्थिति कहीं से नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में सीधे कुछ तय कर ले इस बात पर जनता का थोड़ा भरोसा हो, जनता का भरोसा ही हासिल नहीं कर पाए। जब तक जनता का भरोसा नहीं हासिल करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। जो उसमें नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे या इन लोगों को ही मालूम, लेकिन कुछ करना है तो कर रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर के भी चर्चा है कि इन्हें भी कुछ बड़ा पद मिलेगा या फिर नीतीश कुमार को लेकर के उम्मीदवारी की भी काफी संभावना है महागठबंधन के लोग जता रहे हैं, हालांकि कैमरे पर कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। नीतीश कुमार जी के बारे में तो सब लोगों को मालूम है, जब नीतीश जी का मार्केट वैल्यू जीरो है, क्योंकि खासकर उनकी राजनीति तो बिहार में ही रही है, उनकी पार्टी तो बिहार में रही है और बिहार में यह पार्टी जब से आरजेडी के सामने उन्होंने अपना टेक दिया तब से इनकी पार्टी तो लगभग समाप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में मन में कुछ रख ले लेकिन होना कुछ नहीं है, अंदर अंदर सबको मालूम। तो आपने सुना आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को, जिन्होंने साफ तौर पे इस तरीके से जो बात सामने निकल कर आ रही है और विशेष सत्र बुलाया गया है संसद में वन नेशन वन इलेक्शन, इसको लेकर बिहार की सियासत जो है वो भी काफी तेज और उपेंद्र कुशवाहा ने समर्थन किया। वहीं जिस तरीके से मुंबई में जो बैठक हो रही है आज विपक्षी दलों की जो तीसरी बैठक है उसको लेकर उन्होंने कहा कि प्रधान जो नीतीश कुमार चाहे जितना भी घूम ले उनकी मार्केट वैल्यू जो है जीरो हो गई है, देश में फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का चेहरा बनेंगे और जनता उनके साथ। वीडियो में फिलहाल इतना ही है, वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे जरूर सब्सक्राइब करेगा, हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।